हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे वेज पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए चावल। हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं। ये कुछ खड़े मसाले हैं, जीरा, लौंग, तेज़पत्ता, कलमी, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 करनफूल और ये कुछ काली मिर्च। हमने हरी मटर ली है, गाजर ली है, ये हरा धनिया है, आलू, दही और ये प्याज और हरी मिर्च है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं, हमारे पास यही अवेलेबल थी तो हमने यही यूज करी है। हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। अब हम इसमें हमारे ये खड़े मसाले ये सब डाल देंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम हमारे हरी मिर्च और प्याज डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें हमारी सब्जियां डाल देंगे। मटर, गाजर और ये आलू। अब इसे हल्का सा भून लीजिए। इसे भून चुका है, इसमें हम अब डालेंगे नमक। ये आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। फिर इसमें डालेंगे हम दही और इसे अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा सा दही को पका लीजिए। और तेज आंच पे इसे उबली आने दीजिए। पानी अच्छे से उबल रहा है, इसमें हम हमारे चावल डालेंगे। हमने चावल धो के रखे हुए थे और इसे खुले में ही तेज आंच पे बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाइए जब तक पानी थोड़ा थोड़ा सा नहीं रह जाता। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ही पानी रह गया, ज्यादा पानी है नहीं। तो इस स्टेज पे हम हमारा बारीक कटा हुआ सामान डाल देंगे। एक बार अच्छे से चम्मच घुमा लेंगे, हल्के हाथ से घुमाइएगा और फिर हम इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे, बिल्कुल कम आंच पे, मीडियम भी नहीं, बिल्कुल कम आंच पे रख के ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारे चावलों को एक बार देख लेंगे। देखिए मुझे इसमें पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, चावल थोड़े से कड़क है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे अभी और इसे और ढक के रख देंगे 3 मिनट के। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं, देखिए चावल बिल्कुल पक चुके हैं। अब गैस को बंद कर दीजिए और इसे सर्व कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।